मध्य प्रदेश के पन्ना की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि परंपरागत तरीके से हर साल राम नवमी को लगने वाले मेले का तालाब सूख गया। इस मेले में हर बार जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, वहां उनके स्नान करने के लिए बनाया गया तालाब सूख गया है। बता दें कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह तालाब सूखा हो, लेकिन इस बार प्रशासन की उदासीनता के चलते तालाब सूख गया। बताया जाता है कि इस तालाब के पानी को यहाँ के किसानों ने खेतों में लगा लिया। आरोप ये भी है कि सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा तालाब के पानी को पैसों में बेचा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि विभाग को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलती रही, किसी ने नहीं रोका उनसे। क्या चाहते? यही चाहते हैं कि इसमें पानी भर रहे हैं वो लोग, उतने में तो काम चल रहा नहीं है कुआं ताल का। और जो यहाँ कम से कम 300-400 गांव के लोग आते हैं, टैंकरों से भी काम नहीं चलेगा, इससे प्यासे लोग मर जाएंगे यहाँ मिला। आपका नाम? संतोष कुमार लोधी। जो आप लोगों की सुनी नहीं, आप लोगों ने कई जगह आवेदन भी दिए, कई जगह शिकायतें भी की, इसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, क्या पूरा क्या मानते हैं? पूरे भ्रष्टाचार रहे लोग, पूरे भ्रष्ट। नहीं नहीं, इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कहाँ कहाँ तक की गई और किस किस से की गई? अमीन चलती रही, किसी ने नहीं रोका उनसे। क्या चाहते? यही चाहते हैं कि इसमें पानी भर रहे हैं वो लोग, उतने में तो काम चल रहा नहीं है कुआं ताल का। और जो यहाँ कम से कम 300-400 गांव के लोग आते हैं, टैंकरों से भी काम नहीं चलेगा, इससे प्यासे लोग मर जाएंगे यहाँ मिला। आपका नाम? संतोष कुमार लोधी। जो आप लोगों की सुनी नहीं, आप लोगों ने कई जगह आवेदन भी दिए, कई जगह शिकायतें भी की, इसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, क्या पूरा क्या मानते हैं? पूरे भ्रष्टाचार रहे लोग, पूरे भ्रष्ट। नहीं नहीं, इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कहाँ कहाँ तक की गई और किस किस से की गई? अमीन सर, अभी ये जो तालाब के संबंध में आपने बोला है कि तालाब का गहरीकरण और उसमें पानी डलवा रहे हैं, सर क्या कारण है इस वजह से कि इस साल जो है तालाब में पानी नहीं रह गया, एक भी बूंद पानी नहीं है, लोगों को समस्या आएंगी, क्या पूरा क्षेत्र में थोड़ी जागरूकता की कमी देखी गई थी, जिस वजह से शायद सिंचाई में बहुत हुआ। वर्तमान में तालाब में पानी नहीं है, इस वजह से हम लोग प्रयासरत हैं कि जो नवरात्रि का त्यौहार है उसमें जवारे विसर्जन और अन्य तालाब में समुचित व्यवस्था की जाए। हम यही करेंगे कि जो फ्रंट का एरिया है उसको भरें और भरने के साथ ही उसकी सुरक्षित भी रखें ताकि आम उपयोग में लिया जाए। लगभग सर एक माह पहले अखबार में खबर निकाली गई थी कि यहाँ पे बहुत सारी मोटरें रखी या अवैध रूप से चल रही हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही खबर आपकी आई थी अखबार में, तो तत्काल सीओ साहब और तहसीलदार साहब मौके पर आए थे और उनके द्वारा उसमें मोटरें हटवा दी है, लेकिन क्या है कि गर्मी का सीजन आया है और तालाब में बाष्पीकरण भी काफी हुआ, इस वजह से थोड़ी स्थिति गंभीर हुई। आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया पानी बचाने के लिए? हमने तो शिकायत करी सब जगह, तहसीलदार से करी और अमीन की कर पटवारी से फोन करत रहे, कोई आया ही नहीं, वो यहाँ देख रेख करने नहीं आया नहीं। यही वजह है कि पानी इस तालाब में नहीं बचा। हाँ, आपका नाम? स्वामी प्रसाद लोधी। उधर अधिकारी तालाब को वोटर पंप से भरने के बाद कह रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गर्मी के इस मौसम में लाखों लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है।